मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने शासन द्वारा दिए गए राइफल यक्षधारी के साथ अपने दोनों गनमैन की सुरक्षा को भी वापस कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मोहन सरकार में अधिकारियों की चौखट में दंडवत होकर सियासी हलचल पैदा करने वाले मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के वीडियो की चर्चा अभी रुकी नहीं थी कि एक दूसरे वीडियो ने दोबारा से घमासान मचा दिया। सूत्रों की माने तो अगर विधायक प्रदीप पटेल की नाराजगी दूर नहीं होती तो जल्द ही इस्तीफा भी दे सकते हैं। प्रदीप पटेल ने पिछले दिनों रीवा आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार, मऊगंज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग पांडे के कार्यालय में पहुंचकर दंडवत होकर मदद की गुहार लगाई थी। जब हमने संबंध में प्रदीप पटेल से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों के शह पर मेरे विधानसभा क्षेत्र में नशे का कारोबार चल रहा है। इस दौरान प्रदीप पटेल ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। बाद में भाजपाइयों ने विधायक प्रदीप पटेल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की मांग को लेकर मऊगंज पुलिस अधीक्षक को राज्यपाल के नाम ज्ञापन पत्र भी सौंपा था। इसके बाद दो राइफलधारी सुरक्षाकर्मी विधायक की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, लेकिन मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने राइफलधारी पुलिसकर्मियों के साथ साथ अपने दोनों गनमैन को भी वापस कर दिया। हो गया बस से तो मैं कई बार आया गया जी। और रीवा से बढ़िया सड़क है जी, आराम से बस से आ जाते हैं जी। घर के सामने से बस निकलती, घर पहुंच जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। अभी नहीं लिया, वो वापस किया हुआ पुलिस प्रशासन से नहीं, पुलिस के कुछ लोगों से जी। नाराजगी नहीं है, ये तो कुछ लोग उनके ऊपर आरोप लगाए हैं तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि हाँ अभी हमारे पास कोई, हम तो जो पहले थे उन्हीं को वापस।